ये मेरा तवांग का रूम। मैं ये बाथरूम भी ठीक है, जैसा होता है वैसा ही है। गीजर लगा हुआ है, सॉरी हीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, माइनस में ही ठंड रहती है यहाँ पे। रूम बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसे बेड पर लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे अब तवांग एक्सप्लोर करने के लिए निकलना ही है। ये रिसेप्शन, वो रहा मैं। RAW रॉ एक स्टोर है अंधेरी के अंदर। तो ये ग्लव्स उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे 2019 में, जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर राइड कर रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि उसके बाद मैंने राइड किया नहीं है काफ़ी दिनों तक। तो अब ये ग्लव्स मुझे काम आ रहे हैं। बेसिकली ये विंटर ग्लव्स हैं। अगर आपको भी कुछ बाइकिंग गियर लेना है तो आप रॉ स्टोर को ट्राई कर सकते हैं, RAW। उनका वेबसाइट वगैरह सब अवेलेबल है गूगल के ऊपर। कमरे के अंदर जितनी ठंड थी उसको देख के अभी आपको धूप देख के ऐसा लग रहा हो कि यहां पर ठंड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सही में ठंड बहुत ज्यादा है। और जितनी लाइनिंग जैकेट के अंदर होनी चाहिए वो सब मैंने कर ली है, लेयरिंग मैंने कर ली है। क्योंकि जिस तरह की जगह पर मैं जा रहा हूं और आप लोगों को लेके जा रहा हूं, तो आपको एहसास होगा कि कितनी ठंड है यहां पर। ये तवांग के अंदर के नजारे आप देख सकते हैं, ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल ही पार्क हैं। छोटी बड़ी सब तरह की गाड़ियां यहां पर हैं, इसका मतलब यह है कि टूरिस्ट भी हैं। लेकिन ट्रैफिक अभी उस तरीके का नहीं है कि मुझे जाम का सामना करना पड़े, तो ट्रैफिक जाम जैसा कुछ नहीं है। पहाड़ी लोगों की एक खासियत है कि इनका मन मोस्टली शांत ही आपको मिलेगा, बहुत आपाधापी में ये लोग नहीं होते हैं। यहां से मुझे राइट लेना था लेकिन मैंने मिस किया है। एक्चुअली टर्न्स इतने शार्प होते हैं तो आइडिया लग नहीं पाता। आप किसी भी इंसान को, जो भी आपको अभी व्यूज में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं किसी को कोई जल्दी नहीं है। अगर यही चीज आप दिल्ली मुंबई या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे तो लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, पता नहीं उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचना होता है। लेकिन ये नजारे आपको यहां पर वो नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग जो है वो, उन्हें कहीं पहुंचना नहीं है, वो जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड है। सामने आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की एक गजब की प्रतिमा है, बहुत ऊंची प्रतिमा है। तवांग में आपको फैसिलिटीज सब तरीके की मिल जाएंगी, ऐसा आपको लगेगा नहीं आप पहाड़ी शहर के अंदर हैं। ये थोड़ी स्टिफ चढ़ाई है, वैसे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ों पर हूं अभी। जो लोग इस राइड से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको एक एक एपिसोड देख के आइडिया लग गया होगा कि मैं किस तरीके से मुंबई से घूमता फिरता यहां तवांग तक आ चुका हूं अरुणाचल प्रदेश में।
अब एक और टर्न मुझे लेना है, ये बहुत शार्प टर्न था, अगर डाउनहिल होता तो शायद मुझे रोकना ना पड़ता क्योंकि मैं डाउनहिल में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया हूं, लेकिन अपहिल में तो आपको रोकना ही पड़ेगा इस तरीके के टर्न के ऊपर, मतलब स्लो करके निकालने पड़ेगा। और जब आप इस तरीके से जो व्यूज अभी आपको दिख रहे हैं जब आपके सामने आते हैं तो लगता है कि कहीं हम जा रहे हैं दूर, जिन पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ नजर आ रही है तो दोस्तों हम लोग वहीं जाने वाले हैं, उसके पीछे की तरफ जाने वाले हैं। एक चीज जो है वो बहुत अच्छी है कि मैंने मिलिट्री के कुछ ऑफिसर से पूछा था कि मैं कहां तक जा सकता हूं, परमिट अभी पॉसिबल नहीं था आज के दिन, इम्पॉसिबल था, कोई उनका लीगल टर्म होगा, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आराम से जा सकते हो। अब आप जिस तरीके के शेड देख रहे हैं इनको, जब मैंने पहली बार देखा तो एक नज़ारा अजीब सा लगता है कि ये है क्या, लेकिन जब मैंने 3-4 बार इनको देखा अलग अलग टाइम पे तो मुझे समझ में आया कि शायद हमारे जो भी सोल्जर होते होंगे वो यहाँ पर मतलब अपनी जगह बना के दुश्मन पर हमला करने के लिए इस तरीके के शेड बनाए हुए हैं। उसकी जरूरत मुझे लगता है अभी नहीं है, जब कभी वॉर हुआ होगा तो उस टाइम इस तरीके की जो चीजें हैं वो बनी होंगी। अभी तो कंप्लीटली ये जो एरिया है ये मिलिट्री के अंडर आता है। रोड इस तरीके का है कि यहां पर आप अगर सामने से गाड़ी आएगी तो आप समझ लीजिए कि आपको रुकना पड़ेगा। प्रेयर्स के जो फ्लैग्स और ये सब जो लगाते हैं इसका मतलब यही है कि यहां पर जब मौसम बर्फ का होता होगा तब एकदम कयामत जैसा मौसम होता होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग आसमान की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल जिस जगह से मैं गुजर रहा हूं यहां बर्फ अभी नहीं है, लेकिन आप सामने देख सकते हैं कि वहां कितनी बर्फ होगी। मैं अपनी बाइक को रोड से साइड में नहीं उतारना चाहता हूं क्योंकि साइड में फिर अगर उतारा और डिसबैलेंस हुआ तो उसके साइड में जो और खाई है वहां जाके गिरने से अच्छा है कि बाइक को रोक लूं। अपहिल है मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रोड खतरनाक है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि यहां पे सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी इस तरीके के कर्व्स पहाड़ों पर आते हैं, टर्न्स पहाड़ों पर आते हैं, तो समझ लीजिए कि या तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। कोई मशीन शायद खराब हो गई है यहां पर। और मैं अभी ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा हूं। तवांग जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 फीट की हाइट पे बना हुआ है, लेकिन जहां पर अभी मैं हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 12,000 फीट तक आ गया होगा। यहां का एटीट्यूड 12,000 से कम नहीं होगा। ट्रैफिक की आप बात सोचिएगा भी मत, यहां पे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। ये परमिटेबल एरिया है, परमिट निकाल के ही आप यहां तक आ सकते हैं। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा लकी हूं। पोस्ट पे मैंने पूछ लिया था, उन्होंने मुझे बोला है कि आप अभी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब एकदम बॉर्डर एरिया में जाऊंगा तो मैं शूटिंग ना करूं, तो मैं आपको वही व्यूज दिखाने वाला हूं जो परमिसेबल है। एक्चुअली जितना मैं देखूंगा उतना मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसी जगहों पर शायद नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फकीरा का कैमरा बहुत है। मैं आपको सारे वो नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, जैसे मैं देख रहा हूं।
अगर आप नीचे की तरफ देखना चाहेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देख सकते हैं कि टवांग जो है वो हमें दिख रहा है यहाँ से। तो उसे ऊंचाई का आइडिया लगाया जा सकता है कि अभी हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। इक्का दुक्का कोई व्हीकल निकल जाए तो निकल जाए, बाकी ये रोड आपके और हमारे लिए ही बनी हुई है। अब जो है वो पेड़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है। स्टिप चढ़ाई है इसलिए मैं बस बैलेंस बना के धीरे धीरे चढ़ता चला जा रहा हूं। और इसमें यह भी है कि टर्न्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो सामने से अगर कोई व्हीकल है तो मुझे देखना पड़ेगा। इस टाइम पे मैं आपको एक चीज जो है ना, जो गैजेट मैं यूज कर रहा हूं गोप्रो, इसकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि कैमरा बहुत छोटा सा है लेकिन व्यूज इतने बड़े बड़े दिखाता है। और इस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब मैंने अभी तक गोप्रो ने मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं जो गोप्रो यूज कर रहा हूं वो हीरो 5 है। अभी हीरो 10 तक आ गया है लेकिन मैं अपने हीरो 5 से इतना सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि आपने पूरी सीरीज देखी है, कहीं अपग्रेडेशन की जरूरत है ही नहीं। जो है मेरे पास उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि आगे मैं बड़ा कैमरा नहीं लूंगा। ये देखिए नजारे, मतलब ही आपको इतना सॉलिड व्यू कैप्चर करके दिखाता है। जब बाइक चलाते वक्त मैं देखूंगा तो मुझे बाइक चलाना भी है और व्यूज भी देखने हैं, मेरे को खुद को भी देखने हैं। लेकिन जहां तक गोप्रो का सवाल है, गोप्रो को सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करना है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती के साथ में कैमरा इन गजब के नजारों को दिखाता है। ये स्कॉर्पियो वाला सही में अच्छा इंसान था, आराम से उसने पहले ही साइड दे दी। एक्चुअली जब आप पहाड़ पे अपहिल कर रहे होते हैं तो सामने से जो गाड़ी आती है वो आपको साइड देती है। ये एक म्यूचुअल सा एक सिस्टम है कि जो भी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है उसको चढ़ने दिया जाए, क्योंकि उतरने वाला एक बार को मैनेज कर सकता है लेकिन चढ़ने वाला अगर गिरा तो मामला बहुत खराब हो जाता है। लेकिन आप सब तरह के ड्राइवर से ये उम्मीद मत करिएगा, फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये नजारे। अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन आप रखेंगे तो देख सकते हैं हमारी हाइट ऑलमोस्ट पहाड़ के ऊपर जो एरिया है उसके ऊपर है। अगर आप सामने वाले पहाड़ों को देखेंगे तो उनके बराबर ही लगभग मैं चल रहा हूं फिलहाल। और जहां जहां बर्फ जमने के चांसेस होते हैं वहां रोड इस तरीके से टूट जाती है। ये आप सिंबॉलिकली ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपको ऐसी रोड मिल रही है तो समझ जाइए कि इस ऐसी जगहों पे बर्फ ज्यादा जमती है। वैसे तो ऐसी जगहों पे रोड बना लेना ही बहुत बड़ी बात है, और बनाने के बाद इसको मेंटेन रखना वो उससे भी मुश्किल काम है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अब बर्फ शुरू हो गई है। एक बार जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया मिलिट्री के अंडर आता है, तो यहां बिना परमिट के आना ठीक नहीं है। ये बॉर्डर एरिया है ऑलमोस्ट।
अब अगर आप यहाँ पे सांस लेने की बात करेंगे तो आपको बता देता हूँ कि एकदम पॉल्यूशन फ्री एरिया भी है ये, क्योंकि दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है कि जो इस जगह को पॉल्यूट करे। इक्का दुक्का जो गाड़ियां होती हैं वो मिलिट्री वालों की खुद की ही होती हैं। और वैसे थोड़ी थोड़ी देर में अगर कोई गाड़ी दिख जाए तो वो भी अच्छा ही होता है, आपको ये लग जाता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आगे रास्ता बना हुआ है। ये देखिए मस्त राइट हैंड साइड का नजारा। मैंने लद्दाख बहुत ज्यादा बार में गया हूं वहां पे और एंजॉय भी मैंने बहुत किया है, तो लद्दाख से मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन आप मान के रखो कि अरुणाचल जो है वो एकदम रिकमेंडेड स्टेट है। जो भी अभी तक यहां पर नहीं आए हैं यहां पर जरूर आइए। और जो एक सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हालांकि मेरे व्यूअर्स वैसा नहीं करते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि ऐसी जगहों पर जब भी आप आए तो अगर आपके पास प्लास्टिक बैग्स हैं या कुछ भी है तो यहाँ फेंकिएगा मत। मेरे बाइक में एक थैली आपको नजर आती होगी हमेशा लटकी रहती है, तो वो इसीलिए होती है कि जब मैंने कोई प्रोटीन बार्स लिया या कुछ भी किया तो जो उसका रैप होता है वो उसके अंदर मैं डाल देता हूँ, और जहाँ पे भी मुझे कचरे का बॉक्स नजर आएगा फिर उसके अंदर उसको फेंक देता हूँ। तो आप भी जो भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं अपना कचरा जो है वो यहाँ से कैरी करके लेके जाइए, यहाँ छोड़िए मत। कुदरत जैसी है उसको वैसे ही रहने दें तो बहुत मजा आता है। ये बात उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स ऐसा नहीं करते हैं। मेरे व्यूअर्स सफाई का नेचर का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके की वीडियो मैं बनाता हूँ बहुत फास्ट एडिटिंग या बहुत हैशपैक एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, कोई साउंड इफेक्ट या ऐसा कुछ बहुत डरावने ऐसे जो होते हैं ना एक्साइटमेंट डालने वाले वो चीज़ें मैं नहीं दिखाता हूँ। मेरे वीडियोज़ का मतलब जो है वो मेरी राइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सुकून है, या तो आपको यहाँ पर आके मिले या घर पर बैठे बैठे मिले, लेकिन सुकून मिलना चाहिए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जिस तरीके के कमेंट्स कई लोग करते हैं जो ये बताते हैं कि वो इंडिया से कहीं बाहर हैं दूर हैं और इन हमारे हिंदुस्तान को ठीक से अभी तक उन्होंने नहीं देखा है, और जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इंसान को अपनी हदों को थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मुंबई से चलकर अरुणाचल के अंदर हूं और इतनी खूबसूरत सी जगह पे मैं आ चुका हूं, तो मेरी जो हद है वो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। कोई बाइकर्स थे साथ में, गाड़ी भी खड़ी थी, और वो इसलिए क्योंकि यहां पे एक लेक है, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे भी जाया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए नीचे जाने से ज्यादा जरूरी है कि मैं पूरा एरिया जो जो आसपास है सबका सब कैप्चर कर लूं। फोर व्हीलर ड्राइव में और बाइक राइड में एक ही फर्क होता है कि बाइक आपको ये लिबर्टी देती है कि आप बहुत दूर दूर तक या इंटीरियर में जा सकते हो। कार्स में ये होता है कि आप लिमिटेशन है, या तो आप गाड़ी में बैठे हो तो आप इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो ठंड अभी मेरे सीने पे लग रही है, जो ठंडी हवा लग रही है, वो आपको कार में बैठ के कहां लगने वाली है। थोड़ा सा बाइक को रोकता हूं, ये देखिए नजारा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स ये व्यू देख रहे हैं सबको मजा आ रहा होगा। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो वहां टूरिस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा पहुंचते हैं सीजन में, नो डाउट। लेकिन अगर मैं यहां का कंपेयर करूं
तो आप खुद ही देख सकते हैं ऐसी जगहों पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो मैं पहले आपको देखा था, ये बिल्कुल वही जगह है, वैसे ही पोस्ट है। यहाँ शायद हमारे जो मिलिट्री के जो जवान होते होंगे वो हमले के लिए तैयार रहते हैं। जगह का नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस आप नजारों को एंजॉय करते जाइए। मेरे पास एक्चुअली परमिट नहीं है इसलिए मैं इस जगह का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन शूटिंग कर सकता हूं, उस चीज की परमिशन मैंने ली हुई है, वर्बली ली हुई है। बहुत सारे लोग टोकेंगे कैसे परमिशन ली हुई है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं बॉर्डर है और देश है हमारा, तो देश की सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हैं ऑसम मेस नज़ारे। कुदरत जितनी खूबसूरत हो सकती है उसमें से बहुत ही सही वाले व्यूज हैं ये। अगर आप दुनिया के किसी से भी कोने से अगर कंपेयर करना चाहें तो मैं एज अ हिंदुस्तानी आपको बोल सकता हूं कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से कम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप दुनिया में भी खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए आप उसको पॉलिटिकल ग्राउंड छोड़ दीजिए, कुदरत सब जगह ही बहुत खूबसूरत है। बस मेरे कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि हमारा देश हिंदुस्तान भी कम नहीं है, उसकी शॉर्ट शॉर्ट गारंटी के साथ में मैं वैसे व्यूज आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे कई बार दिखा चुका हूं। और फिर हम एक बार ऐसी जगह पर हैं जहां सुकून के सिवा कुछ भी नहीं है। एक चीज जो मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी जगहों पर आए तो फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और फिलहाल अगर नहीं है तो आप वॉकिंग शुरू कर दीजिए, अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, या फिर आप कार वगैरह से ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन हम बहुत हाइट पे हैं, यहां ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, और जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है सांसों का चलते रहना। बहुत सारे लोगों को बहुत घमंड होता है कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया है, लेकिन सांसों से मुझे एक बात याद आई कि हम खुद अपनी सांस लेते नहीं है। जितने लोग बोलते हैं आप सांस लेते हो, ये करते हो, हमारा अपनी सांसों पर भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर कंट्रोल होगा तो कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं, बस वो अपनी सांसें लेता रहेगा। लेकिन सच माना जाए सांसों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कब रुक जाए पता नहीं चलता, इसलिए जब तक चल रही है तब तक आप कुदरत के मजे लेते रहो और देते रहो। ये एक पोस्ट है लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव पोस्ट नहीं है। अब यहां पर रोड के ऊपर भी बर्फ है, अब आगे मुझे ये देखना है कि मुझे आगे तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अभी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और जितने भी व्यूअर्स का मन कर रहा है कि उनको भी यहां ऐसी जगहों पर आना चाहिए, तो जब भी आपका मौका मिले फटाफट निकल आइएगा।
यहां वैसे बर्फ हमेशा मुझे लगता है जमी ही रहती होगी। किस तरीके से हमारे जवान यहां पर रहते होंगे, मतलब इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। सेला पास पे जो हमने व्यूज देखे थे वो एक हाइटेड पॉइंट था, लेकिन ये पूरा एरिया ही बर्फ वाला है, पूरा एरिया ही बर्फ है। मतलब नीचे जो आप व्यू देख रहे हैं बर्फ का जो कलर है वही आसमान का कलर आप देखिए, वो भी जो बादल छोटे छोटे दिख रहे हैं वो भी वैसे ही व्हाइट हैं जैसे हमारी बर्फ है। एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि नंबर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने से मत झिझकिए, लेकिन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो ही कीजिए, क्योंकि सिर्फ नंबर्स ले लेने से भी कुछ नहीं होता। अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो वो संतुष्टि के साथ में आप जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो मतलब आप मुझे समझ पाएंगे, मैं आपको समझ पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप मजे लेते रहिए इन नजारों के। अभी डाउनहिल है तो ये देखिए, वैसे आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं कैलाश मानसरोवर इस तरह की राइड भी प्लान करूंगा सोलो, मतलब मैं अकेला ही जाऊंगा। अब इसमें यह बात नहीं है कि मैं अपने दोस्तों वोस्तों के साथ में या ग्रुप बना के क्यों नहीं जाता हूं, कमर्शियल राइड्स तो मैं करता ही हूं लेकिन सिर्फ लद्दाख के लिए। लेकिन अभी मुझे खुद भी घूमना बहुत बाकी है और मेरा फंडा बाइक से घूमने का ज्यादा है। बाइक से या फिर जब मैं ऊपर पहाड़ों पर जाऊंगा तो उसके लिए मुझे ट्रैकिंग करनी होगी, तो वो ट्रैकिंग भी आने वाले टाइम के अंदर मैं करूंगा। उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां चालू हैं दोस्तों। अब उनको मैं शूट कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको आगे से आगे अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है, एक ही बार मिलती है, तो उसको जितना ज्यादा जिया जाए बस वही लाइफ है। जो कट जाए वो उम्र और जो जी जाए वो जिंदगी। तो मुझे अपनी उम्र को काटना नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है। हाँ, फकीरिया राइडर्स चैनल पे भी जीना है और आप लोगों के साथ ही जीना है। एक बात जो बहुत बोलने लायक है, मैं काफी बार बोलता भी हूं कि पता जब लगा मुझको हस्ती का मेरी, सिवाय इस दुनिया में मेरे और कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप दुनिया में हैं तो ही दुनिया है, अदरवाइज दुनिया किस काम की। तो आप ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बस जो जीवन आपको मिला है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए, शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वाले का, कुदरत का, और एक एक पल को एंजॉय करते रहिए। जैसे फिलहाल मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी इस एक्सपल्स 200 बाइक के साथ में। वैसे ये बात मैं आपको बोलना चाहूंगा
कि ये जो बाइक मैं लेके अभी आया हूँ, तो अगर कोई भी जो वो व्यूअर्स हैं जिनके पास बजट जो है वो लिमिटेड है, तो वो इस बाइक के साथ में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब इस बाइक में किसी तरीके की कोई टेक्निकली एरर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। एडवेंचर के हिसाब से जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो इसमें हैं। इतने ऊंचे पहाड़ों पर मैं हूँ, लेकिन बहुत स्मूथ है ये बाइक। और जब आपकी आंखों के सामने इस तरीके के नज़ारे हों, तो जिनके नंबर्स लगे हुए हैं आंखों पे, वो भी शायद कम हो जाएंगे या उतर जाएंगे। और मजा लीजिए इन व्यूज का। मैंने जितना भी हिंदुस्तान देखा है, तो उसमें से मैं बोल सकता हूं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सबसे खूबसूरत क्या है, तो एक सबसे खूबसूरत जो नजारा है वो मेरे सामने है। सब तरफ बर्फ है, लेकिन लेक अभी फ्रोजन नहीं है। मतलब ये लेक बोल सकते हैं, इसको पॉन्ड बोल सकते हैं, ये अभी पूरी तरीके से नहीं जमा हुआ है, आधे से ज्यादा जमा हुआ है, लेकिन जो पानी का नीलापन होता है वो इसमें दिख रहा है। मतलब मन तो ये करता है कि नजारे कभी खत्म ही ना हो। और उसके लिए सबसे अच्छा जो मीडियम है मेरे पास में वो है शूटिंग। तो मैं जब इनको शूट करके अपने पास ले जाता हूँ, अपने साथ जब भी ले जाता हूँ, और जो भी मेरा चैनल उस पर आपको लगा के दिखाता हूँ, और जब कभी भी मैं मिस करता हूँ, तो मैं खुद अपने चैनल को खोल के अपने वीडियोज चला लेता हूँ, और मुझे लगता है कि काम मैंने किया है, नज़ारे मैंने खुद शूट किया है। तो ये मेरा जीने का एक तरीका है कि ये मोमेंट कभी भी मिस ना हो, यादें सिर्फ दिमाग में ना हो, यादें सबके साथ में शेयर की जाएं, खासकर जब वो यादें बहुत अच्छी होती हैं। बाइक की स्पीड मुझे कम ही रखने पड़ेगी। रीज़न वही है कि अगर रोड पे हल्का से भी अगर आइस आ गया, तो गिरने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं रोड पे आइस है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ रोड गीला है, तो ये मत सोचिए कि बारिश हुई है, वो पानी जो है वो बर्फ का ही पानी है। बर्फ पे बाइक चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी होता है। एक्चुअली चैलेंजिंग होता है, इसीलिए मज़ा आता है। लेकिन बर्फ पे आप कभी भी गिर सकते हैं, एक सेकंड नहीं लगता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी बाइक अलग और आप अलग। तो अच्छा यही है कि सावधानी बरतिए। जो ब्लैक आइस जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली पक्की बर्फ होती है, और रोड के ऊपर जमी होने की वजह से वो दिखती नहीं है, जो उस पर डस्ट वस आ जाता है तो दिखती नहीं है। तो उस पर अगर आपका पहिया चढ़ा, तो आप जरूर गिरेंगे। तो इसलिए बैलेंस बना के रखिए और रोड पे देखते रहिए। वैसे बहुत ज्यादा खतरा कुछ है नहीं, मेरा फोकस तो फिलहाल नजारों पर ही है। मैं बाइक को लेके कॉन्फिडेंट हूं, तो कोई खतरा है नहीं दिमाग के अंदर। अरुणाचल आना, और अरुणाचल के बाद में तवांग आना बिल्कुल वर्थ है, और तवांग के बाद में फिर ऐसी जगहों पर आना। जब भी आप दोस्तों तवांग आए, तो तवांग के आसपास जो सराउंडिंग में बहुत अच्छा एरिया है,
इनको आप घूमिए, बहुत मजेदार है। यहाँ पे टैक्सीज होती हैं, वो टैक्सीज आपको पर डे बेसिस पे, ट्यूरिंग बेसिस पे आपको घुमाती हैं। तो अगर आप फ्लाइट करके आना चाहें तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तवांग तक फ्लाइट से नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप गुवाहाटी आ सकते हैं, गुवाहाटी से आप तवांग आ सकते हैं बाय रोड। मेरे लिए तो ट्रेन्स या फ्लाइट एक ऐसा हो जाता है जैसे मतलब मुझे उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। मेरे लिए तो सब कुछ जो है फ्लाइट हो गया या ट्रेन्स हो गई या कुछ भी मीडियम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, वो बाइक ही मुझे जमती है, बाइक ही मेरे लिए सब कुछ होती है। अब आप देख सकते हैं मैं डाउनहिल जा रहा हूं, तवांग की तरफ वापस जा रहा हूं। डाउनहिल में बस ये कि आप अपने गियरिंग सही रखिए और उतरते चले जाइए। जब भी कोई टर्न आएगा तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है, कुछ ना कुछ वहां पे खुरदड़ा या पत्थर वत्थर या रेत पड़ी ही होती है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो व्यू हमारा बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर तक हम देख पाते हैं। जहां तक इस तरह की राइड का सवाल है तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो अपना ब्रेक पैड्स, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल प्रॉपर चेक करवा लीजिए, क्योंकि जितना आपको यहां मजा आता है उतना आपकी बाइक को तकलीफ भी होती है, उसके लिए भी हार्ड वर्क है ये। और वैसे भी इंसान जब भी जिसके साथ में भी होता है उसको समझना ही चाहिए, तो अगर आप बाइकर हैं तो आपको अपनी बाइक को समझना चाहिए, अगर आप कार से हैं तो अपने कार को आपको समझना होगा। ये मिलिट्री का एक पोस्ट है जहां से मैंने म्यूचुअली बात की थी, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कूल जवान है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं शिवाजी की प्रतिमा यहां पर है, तो डेफिनेटली ये मराठा पोस्ट होगी, रेजिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ये महाराष्ट्र पोस्ट ही होगी। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इन लोगों की। कलकत्ता का एक ट्रैवलर्स का ग्रुप है, ये मेरी बाइक के ऊपर अपने फोटोज लेना चाहते हैं तो मैंने इनको फोटो खिंचाने के लिए दे दी है बाइक। वैसे ये चीज समझने लायक है कि बंगालीज सही में घूमते बहुत हैं और मुझे बंगालीज बहुत पसंद भी हैं। महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये बोला था कि मेरी कोई प्रतिमा ना बनाई जाए, और विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं हैं वो महात्मा बुद्ध की ही हैं। और खास बात यह है कि वो ऐसी दुर्गम जगहों पर हैं कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको मेरे अच्छे लग रहे होंगे इस राइड के जिसका नाम है मेरा सफर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा और एंजॉय करते रहे अपनी जिंदगी। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।